बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने ज़िम्मे में रखे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत, यूनिक एंड अमेजिंग पेपर आर्ट डेकोरेशन आइडियाज़ देख रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरे आइडियाज़ पसंद भी आएंगे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट ने ये जो है पेंटिंग्स ड्रा किए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और उसके ऊपर स्टोन्स के ज़रिए डिफरेंट आर्ट किया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आइडियाज़ पसंद भी आएंगे। सो अगर आप लोगों को मेरी आइडियाज़ और मेरी वीडियोज़ पसंद आई व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को पसंद कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आप लोगों को पसंद के आइडियाज़ एंड वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे राज़ी बताइएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है पहले जो है पेंटिंग बनाई गई है, उसके ऊपर स्टोन्स के ज़रिए, वुड के ज़रिए आर्ट किया गया है, डिज़ाइनिंग की गई है, डेकोरेशन किया गया है, और उसके बाद उसकी पिक्चर्स दी गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग लेटेस्ट आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों को पेपर आर्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप लोगों को हमारे चैनल में बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक पेपर आर्ट की डेकोरेशन आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। आप लोग जो है पहले बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से जो है पेंटिंग का थीम रख सकते हैं, कि आप लोगों ने नाइट थीम देना है, मॉर्निंग थीम देना है, या फिर आप लोगों ने जो है उसको किस तरह का व्यू देना है। अगर लोग चाहे तो अपना गार्डन एरिया भी बना सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है स्विमिंग पूल बना सकते हैं खूबसूरत सी, आप लोग जो है हवेली टाइप बना सकते हैं, या फिर आप लोग खूबसूरत सा हाउस बनाकर उसके ऊपर स्टूल्स के ज़रिए डिफरेंट आर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल से आइडियाज़ हैं। आप लोग चाहें किसी भी तरह की पेंटिंग लें या फिर व्यू लें, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। फिर आप लोग जो है छोटे बच्चे बना सकते हैं स्टोन्स के ज़रिए, आप लोग फ्लावर्स बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, खूबसूरत से डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से आइडियाज़ हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को हमारे चैनल में पेपर आर्ट के डेकोरेशन आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग आइडियाज़ हैं। आप लोगों के साथ मैंने पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त से जो है आइडियाज़ स्टोन के शेयर करे हैं, आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल का विजिट कीजिए और अपनी राय बताइए। आप लोगों को चैनल पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को पेपर आर्ट डेकोरेशन आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, आप लोगों को बॉक्स आर्ट, आप लोगों को जो है कॉलिंग पेपर आर्ट, आप लोगों को पेपर क्राफ्ट वीडियोज़, जॉइंट फ्लावर, आप लोगों को लार्ज फ्लावर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत होंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को जो है और भी डिफरेंट आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कार्ड्स हैं या फिर कार्ड से रिलेटेड वीडियोस हैं। आप लोग चाहें तो हम लोग आप लोगों के साथ जो है पेपर आर्ट के डिफरेंट जो है वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप लोग के पास स्टोन्स हैं तो आप लोग जो है मतलब उनका कलर थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो आप लोग जो है स्टोन को कलर्स कर सकते हैं। कलर करने के बाद आप उनको डिफरेंट लुक देख सकते हैं, डिफरेंट अमेजिंग से जो है खूबसूरत से उसको व्यू दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है डिफरेंट ऑयल पेंट ले लें, या फिर आप लोगों के पास वाटर पेंट है तो आप लोग वाटर पेंट से जो है स्टोन को कलर करें। कलर करने के बाद आप लोगों ने अगर उसको फ्लावर की शेप देनी है, अगर आप लोगों को फ्लावर्स बनाने हैं तो आप लोग उसको फ्लावर दे सकते हैं। चाहे तो आप लोग जो है स्टोन्स के ज़रिए स्टोन का जो है आप लोग फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, और उस फोटो फ्रेम आप स्टोन के फ्रेम बनवा कर आप लोग जो है उसके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग लेटेस्ट आइडियाज़ हैं व्यूअर्स। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। एग्जीबिशंस में आप लोग जो है पेपर आर्ट स्टोन्स, पेपर आर्ट जो है किसे कहते हैं, असल पेपर आर्ट का मतलब ये है कि आप लोग जो है पत्थरों का काम, आप उसको रॉक्स आर्ट बोल लें, आप लोग उसको स्टोन आर्ट बोल लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग जो है पत्थर ले लें, डिफरेंट शेप्स के पत्थर लेकर उनके खूबसूरत से जो है पत्थरों से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डेकोरेशन बना सकते हैं। आप लोग चाहे फ्लावर्स बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं, चाहे तो आप लोग इंसान भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग चाहे फ़ोटो फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट अपनी जो है एक खूबसूरत सा अपने मदर को, अपने सिस्टर को, अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने जो है फैमिली मेम्बर में अपने किसी को गिफ्ट देना है, बर्थडे वगैरह पर उनकी इंगेजमेंट है, एनिवर्सरी है, या फिर वैलेंटाइंस डे है, सो आप लोग खूबसूरत सा उसके ऊपर मैसेज लिखें, उसके बाद जो है आप नीचे से उसको खूबसूरत सा व्यू दे दें, डेकोरेशन बना लें, या फिर कुछ भी आप लोगों का जो दिल करता है आप लोग वैसी जो है खूबसूरत सा डेकोरेशन कर सकते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप लोग देख सकते हैं कपल बनाया हुआ है स्टोन्स के ज़रिए, और जो है बटरफ्लाइज बनाई हुई हैं, एनिमल्स बनाए हुए हैं, और जो है स्नोफॉल हो रही है, कपल वहाँ खड़ा हुआ है स्टोन्स के ज़रिए। कितने खूबसूरत और नफीस तरीके से जो है स्टोन के ज़रिए बारीकी से काम
किया गया है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स। असल में जो है ये लोग जो हैं आर्ट करते हैं, उसके बाद इसकी पिक्चर्स लेकर जो हैं दिखाते हैं लोगों को कि ये, और इसके साथ साथ जो है जिस बंदे ने ये बनाई है पिक्चर और जिस बंदे ने ये आर्ट किया है उसका नाम भी आप लोगों को साइडिंग पे और जो या पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा। नहीं तो मैं आप लोगों को जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप लोगों को जो है टाइटल में आप लोगों को मैंशन कर दूँगी किस आर्टिस्ट ने कौन सी पिक्चर्स बनाई है। बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग आइडियाज़ हैं, लेटेस्ट आइडिया है व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोगों को ब्लैक स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे, आप लोगों को कलरफुल स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे, आप लोगों को जो है कुछ लेडीज़ शॉपिंग करते हुए नज़र आएंगी, कुछ लेडीज़ आप लोगों को काम करते हुए नज़र आएंगी, लेडीज़ बनाई हुई हैं स्टोन्स के ज़रिए शॉपिंग कर रही हैं, डिफरेंट व्यू दिया हुआ है, थीम दिया हुआ है, और जो है बच्चे बनाए हुए हैं छोटे बाहर जा रहे हैं घूमने, या फिर झूला बनाकर आप लोग उस पर दो बच्चे बिठा दें और जो है स्नोफॉल बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग आइडियाज़ हैं व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पीछे को वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और जो है अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को एंड तक लास्ट में देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जो है वीडियो को स्किप मत किया करें। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है तो आप लोग प्लीज़ उस पर क्लिक किया करें अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी है, आप लोगों को लग रहा है कि कोई कमी है तो आप लोग मुझे वो भी बताया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है अपनी वीडियो को तरीके से प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँ। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बात करती हूँ, जाहिर सी बात है ये आइडियाज़ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और ये आइडियाज़ जो है ऐसे ही फालतू में फ्री में जाएंगे। और जो लोग वीडियो को देखते हैं और खोल के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखें, नहीं तो प्लीज़ आप वीडियो भी ओपन मत किया करें। और जो है अगर आप लोग ओपन करते हैं तो एंड तक देख लिया करें, दूसरी बार देखिए प्लीज़ मेहरबानी करके अपने हाथों से कष्ट दिया करें और वीडियो को लाइक करके फिर जाया करें और कमेंट भी कर दिया करें कि आपने वीडियो देखी है नहीं, ताकि हम लोगों को पता लग जाए। और जो है अगर आप लोगों को किसी भी तरह के आइडियाज़ एंड वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैंने आपको बताया है कि मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक लेटेस्ट आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को वॉश डेकोरेशन आइडियाज़, होम डेकोरेशन आइडियाज़, आप लोगों को क्रॉकरी डेकोरेशन आइडियाज़, विंडो डोर, पेपर कार्ड जॉइंट फ्लावर्स, आप लोगों को जूट क्राफ्ट, बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है कॉइलिंग पेपर चाहिए, कॉइलिंग पेपर के आइडियाज़ भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी अब मैंने पेपर आर्ट के डिफरेंट डेकोरेशन आइडियाज़ डाले हैं, सो प्लीज़ आप लोग वो भी लास्ट में देखिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है स्टोन्स के एनिमल्स बना सकते हैं, आप लोग पत्थरों को डिफरेंट शेप्स की जो पत्थर हैं उसके आप लोग एनिमल्स बना लें, पेंट के ज़रिए उसके ऊपर जो है ड्रॉ कर लें, आप लोग जो है एंग्री बर्ड्स बना सकते हैं अपने खूबसूरत से घर में, अपने खूबसूरत सी जो है स्टोन्स के अपने गार्डन एरिया में डेकोरेशन कर सकते हैं। गार्डन एरिया में आप लोग जो है फानूस जैसे होता है जिसमें फवारा बोलते हैं, उसमें आप लोग जो है वाटर कलर बोलते हैं, उसके ऊपर आप लोग जो है स्टोन्स के ज़रिए डिफरेंट जो है डेकोरेशन करवा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं व्यूवर्स, और जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप लोग फुल लाइटिंग करवा लें, लाइटिंग करवाने के बाद आप लोग जो है स्टोन्स के डिफरेंट खूबसूरत से मून्स बनवा सकते हैं, आप लोग जो है स्टार्स बनवा सकते हैं, सन बना लें, आप लोग उसको पेंट कर लें, पेंटिंग्स कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों के डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आए तब भी लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तब भी लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों की मेहरबानी होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग लेटेस्ट डिज़ाइन आइडियाज़ लेकर आऊँगी, डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर आऊँगी। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के आइडियाज़ एग्जीबिशन में भी रख सकते हैं, आप लोग सेल कर सकते हैं। और बहुत ही न्यू अमेजिंग लेटेस्ट आइडियाज़ हैं व्यूवर्स, डेकोरेशन आइडियाज़ हैं, तो आप लोग जो है इनको शॉप पर दे सकते हैं बनाकर और सेल कर सकते हैं। आप लोग अपने एग्जीबिशंस लगा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, पार्क में, जैसे फ्लावर्स डे आता है तो वहाँ पर वो जो है एग्जीबिशंस लगती हैं खूबसूरत सी, सो आप लोग वहाँ पर एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी न्यू आइडियाज़ के साथ। व्यूवर्स तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे लाजमी याद रखिएगा, और जो है मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग आइडियाज़ लेकर आऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे चैनल्स पर आते हैं व्यूअर्स, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो से इतना पसंद करते हैं, मेरी वीडियो
से इतना लाइक करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, सी यू सून।